कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का असर अब कौशाम्बी जनपद में दिखने लगा है। जनपद के चरवा गांव को शासन नगर पंचायत का दर्जा देना चाहता है, लेकिन उसके बाद लगने वाले शुल्क से गांव के लोग चिंतित हैं, क्योंकि यहां पर रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। 27 मजरे वाले चरवा को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का प्रयास चल रहा है। प्रक्रिया के बीच में ही गाँव के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। गाँव के करीब 100 लोगों से अधिक का हस्ताक्षर युक्त पत्र ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा है। आंकड़ों के मुताबिक वहाँ की करीब 90% आबादी गरीब है। यहाँ किसी भी तरह का नगरीय माहौल नहीं है। ये गांव, यहाँ का मुख्य रोजगार कृषि और मजदूरी है। ये गांव नगर पंचायत बनने के मानक भी नहीं पूरा करता। नगर पंचायत बनने पर विकास तो होगा, लेकिन ग्रामीणों को सुविधा का शुल्क देना होगा। पूर्व में भी गजट प्रकाशित होने पर गाँव के लोगों ने विरोध किया था। ग्रामीण राजू ने बताया, ग्राम पंचायत में 9000 से अधिक जॉब कार्ड धारक मजदूर हैं। इनमें 3677 परिवार बीपीएल हैं, जबकि 912 परिवार इससे भी नीचे की श्रेणी में आते हैं। चरवा के सभी 27 मजदूरों का लगभग यही हाल है। नगर पंचायत बनने के बाद इनका ये भी रोजगार छिन जाएगा। गंभीर आरोप लगाया, भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर भूमाफिया हावी है, ऐसे में चकबंदी कराकर अनाधिकृत कब्जे को हटाते हुए गाँव का विकास किया जाए। ग्रामीणों ने अपनी मांगों का ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से इसको लेकर सार्थक पहल की बात कही है। इसके पूर्व में भी जब गजट में निकला था कि ये नगर पंचायत हो रहा है, तब भी हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति माननीय डीएम साहब, उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार को पत्र के माध्यम से और स्पीच पोस्ट के माध्यम से इसका विरोध किया था, जिसकी सुनवाई हम लोगों की ना होकर के शासन सत्ता में जो बैठे व्यक्ति हैं उनकी मंशा के रूप में काम हो रहा है। चरवा नगर पंचायत हम नहीं चाहते हैं। यहाँ पे 4589 आपके बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनका 4589 कार्ड बना हुआ है। और यहाँ 9000 से अधिक जॉब कार्ड धारक हैं जो 100 दिन मनरेगा के तहत वो काम करते हैं, जिनको सरकार ये निर्धारित किया है कि आप 100 दिन का रोजगार 300 दिन में काम करेंगे तो आपको काम के उपलब्ध जो भी मतलब पेमेंट मिलेगी आपको, वो भी यहाँ से छीन जाएगा। यहाँ पूरे गांव सभा में बहुत इसका विरोध है, बहुत रोष है, धरना प्रदर्शन। नगर पंचायत बनने के बाद ग्रामीणों का कार्य छीन जाएगा, मनरेगा के मजदूरों का काम छीन जाएगा। जी जी बिल्कुल छीन जाएगा। और यहाँ हाउस टैक्स ऑफ तमाम तरह के यहाँ सारी सुविधाएं महंगी हो जाएगी। जो पावरफुल व्यक्ति है उन्हीं का काम होगा। जब गरीब वहाँ पहुँचेंगे तो बिना कुछ ना कुछ दिए काम नहीं होता है, आज भी और आगे भी नहीं होगा, तब तो और भी बड़े इसमें मांग बढ़ जाएगी। गरीब और इसमें गरीब जनमानस का बहुत ही आहित है। हम जानना चाहते हैं कि जिन भी नेताओं की मंशा है कि नगर पंचायत हो जाए चरवा, चलिए ठीक है हो जाए, लेकिन आप हमको ये अवगत कराइए, चरवा में लगभग 1400 बीघे जमीन है, जो ग्राम सभा की जमीनें हैं नवीन परती व बंजर है, वो सारी जमीनें हड़प ली गई हैं या कब्जा की गई हैं। ना तो यहाँ चकबंदी हो रही है, ना पूर्ण रूप से किसी नेता में इतनी दम है कि चकबंदी करा दे, क्योंकि हमने कई नेताओं से आग्रह किया कि आप चकबंदी करा दीजिए। जो गरीब के पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है उनको आवासीय पट्टा दिया जाएगा। चरवा ग्राम सभा के लोग पूरी तरीके से विरोध में है नगर पंचायत के, तो फिर क्या वजह है कि शासन नगर पंचायत करना? ये जबरदस्ती किया जा रहा है, किससे पूछ के किया जा रहा है? कौन से ऐसे गांव है, कौन से ऐसे हम जानना चाहते हैं कि चरवा में ही कितने व्यक्तियों से पूछा गया कि आपके गांव को नगर पंचायत कर दिया जाए? कितने लोग इसमें, आप वोटिंग करा लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, पूरा चरवा विरोध में है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम राजू पासी है। अधिकारी के माध्यम से हमारे और साथियों ने और लोगों ने वहाँ जाकर इसका प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया। और हमारा ये भी मानना है कि हाँ, हमारे गांव को ग्राम पंचायत रहने दिया जाए, उसको नगर पंचायत ना किया जाए। उसके कई कारण हैं। ग्राम पंचायत चरवा में अभी तक 26 पुरवा लगते हैं, अभी वहाँ कई पुरवा, एक पुरवा तो टिकाई तारा ऐसा है जहाँ पर आज तक 70 साल में लाइट नहीं पहुँची है। जब यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं पहुँची, चरवा पावर हाउस होते हुए भी जब वहाँ पर आज तक लाइट नहीं चली, वो लोग दिया जला के रह रहे हैं, तो हम नगर पंचायत किस आधार पर इसको कर रहे हैं? वहाँ लाइट नहीं है। हमारे यहाँ एक तालाब ऐसा है जिस पर जो है रोड का मरम्मतीकरण नहीं हुआ, 5 साल में दो लोगों की जान गई, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, बस चरवा को नगर पंचायती। हमारा कहना है कि हम इस नगर पंचायत का ग्राम पंचायती रहने देना चाहते हैं, हम इसका खुला विरोध करते हैं। हम अपने गांव को ग्राम सभा रहने के लिए माननीय विधायक से, माननीय शासन सत्ता से अनुरोध और निवेदन करते हैं कि हमारे जिला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? माननीय जिला अधिकारी जी ने कहा था कि हाँ ये नहीं होगा, ये उसके पत्र के जरिए भी उन्होंने बताया था कि ये हमारे मतलब बजट वो नहीं है, इसका जो
मतलब जो भी मतलब इसके मानक होते हैं वो उस पर मानक पर नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। नाम बता दो। जी रवि पांडे। हमारी मांग यही है सर कि चरवा को ग्राम पंचायत रहने दिया जाए, कुबरू की भांति नगर पंचायत का दर्जा इसको ना दिया जाए। सिर्फ आबादी के हिसाब से नगर पंचायत बनाया जा रहा है चरवा को, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ 70% से ज़्यादा आपके BPL कार्ड धारक हैं और जॉब कार्ड की स्थिति ये है कि 9000 के लगभग जॉब कार्ड धारक यहाँ पे हैं। नगर पंचायत अगर ये हो जाएगा तो जॉब कार्ड सबका निरस्त कर दिया जाएगा और दूसरी बात ये बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा ग्राम सभा में 1400 बीघे सरकारी ज़मीन है जो भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लगभग 13 वर्षों से ही चकबंदी की प्रक्रिया चल रही थी गाँव में, नक्शा ना होने का बहाना कुछ दिन बनाया गया, उसके बाद चकबंदी निरस्त कर दी गई अभी 2 महीना पहले। जिला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? क्या अधिकारी साहब को हमने दिया प्रार्थना पत्र, उन्होंने कहा कि हम आपकी ये एप्लीकेशन शासन को भेज देंगे, लेकिन जो कुछ होना है वो पहले से निश्चित हो चुका है, अब आपकी इस प्रार्थना पत्र पे कुछ हो पाना संभव नहीं है। तो ग्रामीण क्या करेंगे अगर नगर पंचायत बन गई तो? पूरी तरह से विरोध में है, संभवतः कल से वो धरना प्रदर्शन करेंगे, बाजार बंद होगी और चौराहे पे चक्का जाम करने की पूरी तैयारी है। आगे क्या होता है कल? नाम बता दीजिए। सतीश वर्मा, अध्यक्ष युवा व्यापार मंडल चरवा। दस्तक भारत के लिए कौशाम्बी से मोहम्मद नावेद की रिपोर्ट।